उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से सैकड़ों लोगों के धर्मांतरण कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल प्रार्थना सभा के बहाने प्रदेश के अलग अलग जिलों से सैकड़ों लोगों को बुलाकर या एक चर्च में इकट्ठा किया गया था। इन सभी लोगों को रोगों से मुक्ति दिलाने और परेशानियों से छुटकारा दिलाने के नाम पर बरगलाकर यहां बुलाया गया था। वहीं जब इस मामले की जानकारी हिंदू संगठनों को हुई तो सभी मौके पर पहुंच गए और पुलिस प्रशासन को हिंदुओं को ईसाई बनाने के खेल के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और कई लोगों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। धर्मांतरण का यह सनसनीखेज मामला बाराबंकी जिले में देवा कोतवाली के माता चौकी क्षेत्र अंतर्गत सेंट मैथ्यू चर्च का बताया जा रहा है, जहां प्रदेश के अयोध्या, सुल्तानपुर और जगदीशपुर समेत कई जिलों से लगभग 300 लोगों को बुलाकर प्रार्थना सभा के बहाने उनका धर्मांतरण कराने की बात सामने आई है। इन सभी लोगों को रोगों से मुक्ति और परेशानियों से छुटकारा दिलाने के नाम पर चर्च में आए तमाम लोगों ने बताया कि उनकी कई दिनों से तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए वह आज यहां आए। उन्हें बताया गया कि यहां पर उनके रोग सही हो जाएंगे, साथ ही सभी परेशानियों से उन्हें छुटकारा भी मिल जाएगा। लोगों के मुताबिक उनसे पहले भी यहां उनके कई जानने वाले आकर ठीक हो चुके हैं, जिन्हें देखकर वह भी यहां आए। वहीं तमाम स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह से कई गाड़ियों से लोग आकर यहां इकट्ठा हो रहे थे। जब उन लोगों से यहां आने का कारण पूछा गया तो उन लोगों ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। वहीं इस पूरे मामले पर बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक सीएन सिन्हा ने बताया कि पुलिस प्रशासन को सेंट मैथ्यू चर्च में धर्मांतरण कराने के बड़े खेल की जानकारी मिली थी, जिस पर कई थानों की फोर्स के साथ एसडीएम विजय कुमार त्रिवेदी, सीओसीटी डॉक्टर बीनू सिंह, सीओ सदर सुमित त्रिपाठी समेत वह मौके पर पहुंचे सभी लोगों को अंदर रखकर उनकी गिनती की जा रही है। यहां से कई लोगों को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही। जो भी इस मामले में दोषी होगा उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए आज माती एक जगह है जो कि थाना देवा में आता है। यहाँ के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक सेंट मैथ्यू चर्च है और स्कूल है यहाँ, तो मैथ्यू वहाँ पर एक अयोध्या जनपद से कुछ लोगों को यहाँ पर लाया गया है। और यह भी सूचना थी, इनमें जो इनपुट था कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन हेतु यहाँ पर लाया गया। इस सूचना पर SDM सदर साहब, CO सदर, COCT, महिला पुलिस इंस्पेक्टर सभी को यहाँ पे भेजा गया और इस संबंध में सम्यक छानबीन की जा रही है। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी सुसंगत साक्ष्यों के आधार पे, वो तत्परता के आधार पे सुनिश्चित। सर कितने लोग थे और कहाँ से आए थे? मैंने बताया कि ज़्यादातर जो आए थे वो अयोध्या जनपद के हैं, उसके आसपास के हैं सब। उनका ब्यौरा इकट्ठा किया गया है और अभी हम लोग जो साक्ष्य है, संगत साक्ष्य, उसको एकत्र कर रहे हैं। इसका परीक्षण होगा और जो भी न्याय संगत कार्रवाई है वो प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित। तो कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया सर? हाँ जी, पूछताछ के लिए लिया गया। वो जैसा भी अभी होगा तो अभी उनसे बातचीत की जाएगी, पूछताछ किया जाएगा क्यों आए थे, कैसे आए थे, ये सारी चीज़ें हैं। जो लोग आए थे उनसे भी पूछताछ, क्या काउंसलिंग की जा रही है? जो महिलाएं और बच्चे थे उनकी काउंसलिंग भी की गई? देखिए ये सारी चीज़ें जो है कि अभी विवेचना का पार्ट है, जो कि समय आने पर विवेचना के अधीन ही। क्या करने आए थे यहाँ पर? हमें पता लगता था कि चर्च लगती है, तो हम भी समझने और देखने आए थे क्या होता है यहाँ पर, क्या नहीं होता है, क्योंकि हम पहली बार फर्स्ट ईयर आए थे यहाँ पर। यस सर। क्या बताया गया यहाँ पर? क्या बताया गया, तो कोई प्रोग्राम ही नहीं हुआ, सारे लोग आ गए हैं। जी सर। कहाँ से आई? UP अयोध्या। अयोध्या से? यस। अरे यहाँ पर कुछ दिया गया आप लोगों को? नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं मिला है। कुछ किताबें और? यहाँ पर इस समय आज की डेट में कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ हम सब आए थे कुछ चालू, यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं हुआ जो कुछ लिए बुलाया गया था। हम आए थे वही 9-10 बजे। क्या बता के यहाँ पर लाया गया था? बताया गया था कि चर्च लगती है। मुझे तो नहीं मालूम सर, अपने बारे में पता है तो हम आज ही आए हैं। आज ही आए हो? क्या कहकर आपको लेके आया गया यहाँ पे? क्या मकसद है, किस लिए आपको बुलाया गया? प्रार्थना के लिए आए। प्रार्थना? कैसी प्रार्थना आप लोगों से कराते हैं? हाँ सर, आपकी कैसी प्रार्थना कराते हैं, क्या कहने के लिए बोलते हैं? अबे तो आज पहली बार आए हैं। आपका नाम क्या है? राम सुंदर। राम सुंदर? हाँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बल्दीराय। सुल्तानपुर बल्दीराय? हाँ, सब इकट्ठे है ये फैजाबाद। हाँ, बल्दीराय थाना जानना है। तो
किस चीज़ की जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं यहाँ? कौन जानकारी, बस दिख के बीमार रहते साहब, किसी का भाव भजन करने से। नहीं तो भाव भजन किसका कहते हैं? आप हिंदू है ना? हाँ सर। ईसा मसीह है? तो क्या कहते हैं कि आप श्री राम कृष्ण भगवान इन सबकी पूजा न करके ईसाई धर्म अपनाइए? नहीं, धर्म नहीं अपना रहे। हाँ, हाँ, फिर क्या बस मान रहे साहब, मान रहे हैं। हाँ, तो आज से आप बाकी जो भगवान है उनकी पूजा नहीं करेंगे? नहीं, क्यों नहीं, अब करने वाले करेंगे। तो आपको किस लिए यहाँ बुलाया गया है? किस लिए बुलाया गया, कोई तो मकसद होगा ना आपको? बस प्रार्थना के लिए आए हैं। प्रार्थना तो आपकी प्रार्थना से मार लेंगे, तबीयत खराब रहती है साहब हमारी। यहाँ आ गए तो तबीयत सही हो जाएगी आपकी? सुनने में यही आता भैया। अच्छा, सुनने में यही आता है, सारे भगवान यही है? वो तो कुल है आप भगवान, तो ये पता होना चाहिए ये स्कूल है, ये कोई मंदिर है वो नहीं है गिरजाघर, ये स्कूल है भाई, यहाँ बैठे हो। यहाँ तो, यहाँ तो पब्लिक के नजर में सब पूरा पढ़ाई होती है। अच्छा, आपको बताया गया प्रार्थना स्कूल है, यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, हम लोग को ये पता चला पहली बार पढ़ाई है, ठीक है, आप लोग गलत जगह आ गए हो। ये धर्मांतरण करा रहे हैं हिंदू से, आपको ईसाई बनाएंगे, ठीक है, और इनका कोई मकसद नहीं है। हम इंसान है, हमेशा इंसान ही रहेंगे, भगवान नहीं बनेंगे। माता जी आप कहाँ से हैं? हाँ, थोड़ा तेज बोलिए, सुनाई नहीं दे रहे। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है, जिला कौन सा है आपका? अयोध्या। यहाँ किस लिए आप आई हैं? बीमार रहे। बीमार, तो यहाँ कोई डॉक्टर आए थे क्या? नहीं, क्या क्या बता के आप लोगों को लेके आया गया? कुछ बता कि यहाँ भगवान साक्षात विराजमान है, आप चलिए। और क्या बोल के आप लोगों को लेके आया गया? कुछ बता नहीं। आप लोगों को पैसा दिया गया था क्या? गाड़ी आप अपने साधन से आए या कोई गाड़ी भेजी गई थी? नहीं, अपने साधन। अपने साधन से। कब आई हैं आप? मतलब आज ही आई हैं कि कल आई हैं आप? आज ही आई हैं। चलो, क्या बताया आपके सामने यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ आई हैं? पांच गाड़ियाँ और उसकी फुटेज मेरे पास है। अच्छा, वहाँ पे दुकान पे। अच्छा, मैंने पूछा कि आप लोग भैया क्या बात, आप लोग बहुत भीड़ लगा के यार। तो ये महिला बोलने लगी आपसे क्या मतलब, और पिकअप वाले से पूछा तो वो झगड़ने लगा। और लेकिन आप यहाँ के स्थानीय, आपको तो पता होगा कि ये स्कूल है। हाँ, ये स्कूल है, ये स्कूल सेंट मैथ्यू। सेंट मैथ्यू। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि इतनी भीड़ और इतने मात्रा में जो आदमी एकत्रित हुए हैं, ये फैजाबाद सुल्तानपुर के रहने वाले ज़्यादातर लोग हैं। और स्कूल में कैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, मैंने बात भी बोला कि 280 लोगों का टारगेट, 280 लोगों का यहाँ पे पर डे 280 300 400 लोगों को एकत्रित करके धर्मांतरण कराया जाता है। क्या पाठ पढ़ाया जाता है जो बच्चों को नहीं पढ़ा के अभिभावकों को पढ़ाया जा रहा है, वो भी यहाँ लोकल स्थानीय लोगों को छोड़ के फैजाबाद सुल्तानपुर जगदीशपुर इस तरह की जगह से लोगों को लाया जा रहा है। उसके बाद में वहाँ उनके साथ में क्या दिखाया जा रहा है, आप चारों तरफ इसको दिखाएंगे।